हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही इन ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में। आपको दिन प्रतिदिन जो है प्रत्येक विषय अनुसार आपको वीडियो जो है इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो रहे होंगे, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी अपने शिक्षकता के साथ सब्सक्राइब कर ले हैं और बेल आइकन को दबा दें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगण, अपने सहपाठी, अपने जो है परिवारजन या सगे संबंधी जो हैं उनके साथ में इसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी निःशुल्क कक्षाओं का जो है लाभ उन तक पहुँच पाए और उनका अध्ययन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य जो है इसमें हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक से प्रारंभ किया था, और क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमने गद्य भाग जो है वो गद्य भाग आपका स्टार्ट किया था, शुरू किया था। इस गद्य भाग में हम जो है अध्याय पढ़ रहे हैं अभी, यशपाल का लखनवी अंदाज, ये जो है अध्याय अपने चल रहा है। लेखक है यशपाल, लेखक का नाम है यशपाल, और अध्याय का शीर्षक या नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज ये हम अध्याय यहां पर पढ़ रहे हैं। यशपाल का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज, ठीक है। तो आपने जो है बुक निकाल लें आप सभी लोग और आ जाए पेज नंबर जो है आपके पेज नंबर 80 है भाई, पेज संख्या 80 पर आ जाए आप लोग, पेज संख्या 80 पर। इससे पूर्व का जो है हमने पढ़ लिया था, जो है लेखक परिचय हो गया था, पाठ परिचय हो गया था, और उसके बाद में हमने आधे से ज्यादा अध्याय भी जो है वो पढ़ लिया है, उसको पूर्ण कर दिया है। इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया था कि एक जो है लखनऊ के सफेद पोश व्यक्ति यानी एक भद्र पुरुष जो थे वो द्वितीय श्रेणी से क्या कर रहे थे, द्वितीय श्रेणी का टिकट लेकर अकेले में यात्रा कर रहे थे, और उनके पास में क्या थे, उनके पास में खीरे थे, खीरा ककड़ी जो होती है वो खीरे, तो वो अकेले सफर कर रहे थे। लेखक अचानक से द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में पहुंच गया, क्योंकि लेखक भी क्या है अकेले में नई कहानी के बारे में सोचना चाह रहा था, इसलिए चला गया। तो उनको देखकर वो सफेद पोश सज्जन जो थे उनका मानो उनकी जो अकेले में रहने की जो इच्छा थी उसमें मानो क्या हो गया हो, थोड़ा सा मानो खलल सा पड़ गया, उनको ऐसा लगा कि बीच में किसी ने क्या कर दिया है, उनको आकर डिस्टर्ब कर दिया है, परेशान कर दिया है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या है खीरे, थोड़ी देर उन्होंने बात नहीं की, उसके बाद में उन्होंने खीरे के विषय में बात की कि भाई लखनऊ का पालक खीरा है, और उन्होंने पहले उनसे बात नहीं की, बात में उन्होंने पूछा भी सही कि आप खीरा खाना चाहो तो आप शो फरमा सकते हैं। नवाब साहब ने खीरे के लिए बहुत ही यत्न किया, पहले जो तौलिया उनके पास था उसको बिछाया, एक लोटा पानी का वर्त के नीचे से निकाला, खीरों को बाहर धोया अच्छे से, धोने के बाद में खीरों के सिरे काटे और उनको चाकू से गोद कर उनका झाग निकाला, उसके बाद उनकी फांक काट करके तौलिये पर करीने से यानी बहुत ही तरीके से सजा दी, उसके बाद में जीरा और नमक उन पर भुरक दिया और ऊपर से सूख लाल मिर्च जो है भुरक दी। तो इतना काम उन्होंने किया और उसके बाद उनके मुंह में ऐसा करते समय पानी आ रहा था। तो ये सब हम जो है अभी तक पढ़ चुके थे, आज जो है पाठ का समापन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। पेज संख्या 80 पर आ जाए आप लोग। मुंह में भर आए पानी को घूट गले से उतर गया, यानी जब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने खीरा ककड़ी जो है काटी उस पर काट कर नमक, और नमक के बाद में क्या किया उन्होंने, नमक जीरा नमक और फिर ऊपर से लाल मिर्च भुरक दी, और फिर उस खीरे को फांक को उठाया मुंह के पास ले गया उसको सूंघा, तो सूंघने के बाद में क्या हुआ भाई, बहुत ही कोई रसा स्वादन यानी रस का स्वाद देने वाली चीज होती है, तो उसको देखकर मुंह में पानी आना स्वाभाविक बात है, तो उससे उनके मुंह में पानी आ गया था। तो मुंह में भराए पानी की जो घूट था उस घूट को गले से उतर गया, वो घूट उन्होंने गले से उतार लिया।
तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। देखो भाई, नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब ने इतने यत्न से खीरे को लाए, धोया, उसमें गोद कर उसको झाग बाहर निकाले, उसको करीने से काटा, उसके बाद में नमक के साथ में उन्होंने मिर्ची, काली लाल मिर्ची, जीरा उसमें डाला, उसको लाए, सूंघ कर उसका आनंद लिया, मुंह में पानी आया, उसको गटक गए, लेकिन खीरे की फाक को खाई नहीं। उन्होंने क्या किया, खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। वो एक के बाद एक क्या करते, नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर, यानी नाक के पास ले जाते और वासना से, यानी उनकी जो इच्छाएं थी उससे उसका क्या करते, रसा स्वादन करते, यानी रस का आनंद लेते और फिर खिड़की के बाहर फेंकते गए। एक एक करके उन्होंने ऐसा कार्य शुरू करते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पूछ लिए। अब नवाब साहब ने क्या किया, देखो नवाब साहब क्या दर्शाना चाह रहे थे, वो नवाब साहब ये दर्शाना चाह रहे थे कि हम तो बहुत भद्र पुरुष हैं, नवाबी खानदान से, एक सामान्य सी खीरे जैसी चीज जो है वो हम खाते नहीं है, खाली हम तो शौक के लिए जो इसका आनंद लिया और उसको फेंक दिया। तो नवाब साहब ने क्या किया कि तोलिए, उसके बाद में नवाब साहब ने खीरे की सब फाकें जो थी उन सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तोलिए से हाथ और होंठ पूछ लिए, और अपने हाथ और होंठ जो है पूछ लिए जैसे उन्होंने अभी अभी खीरा खाया हो, और गर्व से गुलाबी आंखें और बड़े गर्व यानी बड़े घमंड के साथ गुलाबी जो आंखें होती है, क्योंकि रस का आनंद लेने के कारण मानो उनकी आंखों में भी गुलाबी बन आ गया था, तो ग्लोबी गुलाबी जो आंखें थी उन आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो ये है खानदानी रईसों का तरीका, यानी बड़े गर्व भरी आंखों से लेकर की तरफ देखा और देखकर मानो ऐसा कहने चाह रहे हो कि ये है क्या खानदानी जो रईस होते हैं उन खानदानी रईसों का तरीका है ये, ऐसा मानो वो दर्शाना चाह रहे थे, ऐसा दिखाकर वो मानो दर्शाना चाह रहे थे कि ये है खानदानी रईसों का तरीका। फिर देखो आगे बढ़िए, तो कह रहे हो कि ये खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। अब नवाब साहब जो थे उन्होंने क्या करी, खीरे की इतनी तैयारी की थी, बहुत तैयारी, बहुत मेहनत की थी, तो तैयारी और इस्तेमाल के लिए मानो थक गए वो उसको करते करते और थक कर लेट गए। हमें तस्लीम तस्लीम यानी सम्मान, तस्लीम यानी सम्मान, तो हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, हमें तस्लीम में यानी हमें उनके सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा, यानी अपना सिर पीट लेना पड़ा कि बताओ कैसे कैसे भद्र पुरुष है, कैसे व्यक्ति है कि अपनी नवाबी रईसी दिखाने के लिए उस खीरे को हाथ में लिया, इतनी मेहनत की लेकिन उसको खाया नहीं, उसको फेंक दिया, ठीक है, तो इस सम्मान में हमने क्या किया, सिर खम कर लेना पड़ा। ये है खानदानी तहजीब, तहजीब यानी शिष्टता, ये है खानदानी तहजीब, तहजीब का मतलब होता है शिष्टता। ये है खानदानी तहजीब यानी ये है खानदानी शिष्टता, नफासत, नफासत, नफासत का मतलब हो गया स्वच्छता, नफासत का मतलब स्वच्छता, और नजाकत का मतलब कोमलता, और नजाकत, नजाकत का मतलब कोमलता। तो लेखक जो है भाई, वो लेखक क्या करने लगे, लेखक ने सबसे पहले उनके जब नवाब साहब थककर मानो लेट गए इस काम को करने के बाद में, तो हमें तस्लीम में यानी हमें जो है उनके सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा कि मानो सिर खम कर लेने का तात्पर्य उनको अपना सिर पीट लेना पड़ा हो, और फिर खानदानी यानी खानदानी जो खानदान की रईसी होती है, जो खानदान की रईसी होती है उस खानदान की रईसी दिखाने के लिए, उस खानदान की रईसी दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया,
तहजीब यानी शिष्टता, फिर नफासत यानी स्वच्छता, फिर नजाकत यानी कि कोमलता। ये खानदानी उन्होंने अपना सम्मान दिखाने के लिए सब किया और इस कारण हमें सिर खम कर लेना पड़ा। सिर खम कर लेना, लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं, सिर खम करना यानी सिर झुका लेना, ठीक है ना। तो वो कैसे झुका दिया वो भी देखकर, क्योंकि हमने तस्लीम में यानी सम्मान में हमने भी सिर कम कर लिया, यानी उनके सम्मान में हमने भी सिर झुका लिया या सिर पीट लिया। फिर हमने देखा कि ये है खानदानी तहजीब यानी खानदानी शिष्टता, नफासत, नफासत यानी स्वच्छता, और नजाकत यानी कि कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके का खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। हम गौर कर रहे थे, लेखक ने कहा कि हम ध्यान दे रहे थे, गौर कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे। क्या ध्यान दे रहे थे? कि खीरा इस्तेमाल करने, कि खीरा किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, खीरे को किस तरीके से प्रयोग में लेना चाहिए, इस तरीके का खीरे की सुगंध, कि ये जो तरीका है, इस तरीके का खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से, कि खीरे की सुगंध ले ली और स्वाद की कल्पना कर ली, इससे संतुष्ट होना, उसी से संतुष्ट हो जाने का सूक्ष्म यानी बिल्कुल बारीक, नफीस यानी बढ़िया, नफीस यानी बढ़िया, नफीस यानी बढ़िया, या एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा आपके सूक्ष्म या अमूर्त, सूक्ष्म या अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना दे, ठीक है। तो ये क्या है? ये है भाई कि ये बहुत ही नफीस यानी बढ़िया और एब्स्ट्रैक्ट तरीका, यानी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है बिल्कुल अमूर्त तरीका, कि काम किया नहीं और फिर भी काम पूर्ण हो गया, बिल्कुल बारीक तरीका कह सकते हैं, जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेकिन लेखक ने सोचा कि भाई खीरा इस्तेमाल करने का ये जो तरीका था नवाब साहब का, कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही वो संतुष्ट हो गए, खीरे की सुगंध ली और स्वाद की कल्पना कर ली, खीरे की फांकी छोड़ दी, तो ये संतुष्ट होने का बिल्कुल सूक्ष्म, नफीस यानी बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, मूर्त का मतलब जो दिखाई दे, अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना दे, तो अमूर्त तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति, उदर, उदर यानी पेट, तो उदर यानी पेट की तृप्ति, तृप्ति मतलब कि आनंदित, पूर्ण हो जाना, जिसके बाद किसी चीज की इच्छा नहीं रहे, तो तृप्ति हो सकती है कि क्या ऐसे पेट भर सकता है क्या भाई? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब देखो उधर नवाब साहब जो थे, नवाब साहब की ओर से भरे पेट यानी पेट भर जाने पर डकार लेते ना, ऐसे डकार के ऊंचे शब्द सुनाई दिए और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन शकील नामुराद मेदे पर बोझ डालता है। देखो नवाब साहब ने क्या कह दिया, नवाब साहब ने हमारी तरफ देखा और हमारी तरफ देखकर उन्होंने कह दिया कि खीरा होता तो क्या है, लजीज, लजीज यानी स्वादिष्ट होता है, लजीज का मतलब क्या हो गया, स्वादिष्ट होता है, लेकिन शकील, शकील का मतलब आसानी से ना पचने वाला। देखो क्या होता है खीरा, खीरा उन्होंने कहा कि लजीज होता है, लजीज का मतलब हो गया स्वादिष्ट, लजीज का मतलब स्वादिष्ट कहेंगे हम इसको, खीरा क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, ऐसा नवाब साहब ने कहा कि खीरा कैसा है, स्वादिष्ट होता है लेकिन होता है शकील, शकील इधर लिख देता हूं, शकील, शकील का मतलब आसानी से ना बचने वाला, आसानी से ना पचने वाला,
फकीर होता है तो आसानी से ना बचने वाला होता है, और ना मुराद मेदे पर बोझ डाल देता है, और ना मुराद मेदे पर यानी अमाशय पर, मेदा में पहले भी बोलता चुका हूँ आपको, मेदे यानी अमाशय, अमाशय पर मेदे पर क्या कर देता है, जोर डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान रूपी नेत्र, ज्ञान चक्षु का मतलब है ज्ञान रूपी नेत्र, ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी नेत्र, दिख रहा है ना भाई आपको यहां तक पूरा, एक बार देखो दिख तो रहा है आपको ठीक से, हाँ दिख रहा है भाई। तो ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान रूपी जो नेत्र थे, वो ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए किसके, लेखक के, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, और उन्होंने पहचाना कि ये कौन है, ये नवाब साहब जैसे जो लोग होते हैं ये क्या है, यही होते हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार और घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। और उन्होंने सोचा कि खाली केवल मात्र खीरे की सुगंध यानी उसकी खुशबू और स्वाद की कल्पना करने मात्र से अगर पेट भर जाए यानी पेट भर जाने और डकार तक आ सकती है, तो क्या बिना विचार घटना और पात्रों के केवल लेखक की इच्छा मात्र से का नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ऐसा उन्होंने अपने आप से मानो प्रश्न किया, और इसी के साथ आपका यह अध्याय कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। चलो भाई नवाबी अंदाज देख लिया आपने, नकलवी अंदाज था ये। पाठ के प्रारंभ में जब वो जब पाठ परिचय आया था, इन्होंने एक बात कह दी थी, मैं आपका ध्यान एक बार उसकी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि देखो इन्होंने ये जो लखनवी अंदाज है ये व्यंग्य है, और इन्होंने ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना तथ्य कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है, यानी बिना तथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में हम उसे पढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ लेखक जो थे, तो लेखक ने देखा कि जब बिना खीरा खाए पेट की उदर पूर्ति यानी पेट भर सकता है, डकार आ सकती है उसके रस रसास्वादन की कल्पना मात्र से, तो फिर बिना कथ्य के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती, स्वतंत्र कहानी लिखी जा सकती है, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया प्रश्न अभ्यास की बात करेंगे अपन, प्रश्न संख्या एक देखेंगे। सबसे पहले लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं। देखो भाई लेखक जो था, जब वो द्वितीय श्रेणी के डिब्बा जो था, द्वितीय श्रेणी का जो डिब्बा था, जब द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में वे चढ़ा, तो द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में चढ़ने पर उसने देखा कि सामने एक सफेद कोष यानी सफेद कोष का मतलब सफेद पोशाक पहने हुए कि सफेद कोष सज्जन जो है वो क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो सफेद कोष सज्जन क्या कर रहे हैं, यात्रा करने का काम कर रहे हैं। और जब वो जैसे ही ट्रेन के डिब्बे के सामने वाली बर्थ पर जाकर छेड़ बैठे, तो वो सफेद पुरुष नवाबी सज्जन जो थे या भद्र पुरुष जो थे, उनको ऐसा लेखक को अनुमान हुआ कि उनकी जो अकेलापन था, उनकी जो एकाग्रता और एकांतता थी, उसमें मानो विघ्न सा पड़ गया, क्योंकि वो अपने आप में उसे बातचीत नहीं की और अपने आप में थोड़े से खोए से सकपका से गए। तो इन उनके हाव भाव को देखकर लेखक को यह अनुमान हो गया कि मेरे इस डिब्बे में आ जाने से, क्योंकि उन्होंने सोचकर द्वितीय श्रेणी का टिकट लिया था कि आराम से क्या करेंगे, द्वितीय श्रेणी में कोई आता नहीं उसमें सफर करेंगे, और नवाबी व्यक्ति का द्वितीय श्रेणी में जो है सफर करना जो है लोगों के अनुसार में ठीक नहीं हो, तो प्रथम श्रेणी में करना चाहिए। तो उन्होंने तो सोचा था भाई कि क्या होगा, कम खर्च भी रहेगा, ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, द्वितीय श्रेणी में आराम से अकेले यात्रा कर लेंगे। लेकिन जब लेखक उस डिब्बे में चला गया, तो उनको देखकर उनकी जो है एकांतता थी वो भंग हो गई, तो उनके हाव भाव से साफ प्रकट हो गया। नंबर दो देखिए, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया।
उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करने से उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। देखो नवाब साहब जो थे, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न यानी बहुत ही बढ़िया प्रयास करके मेहनत करके उन्होंने खीरा काटा, नमक मिर्च भुरकाई, अंततः सूंघा उसको और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा क्यों किया होगा? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे ये प्रदर्शित करना चाह रहे थे कि हम क्या है, नवाब खानदान से संपर्क रखना, नवाबी खानदान के क्या हिस्से हैं, नवाबी खानदान से संपर्क रखने वाले हैं या नवाबी खानदान के हैं, तो हम खीरे जैसी सामान्य चीज को क्या करते हैं, खाते नहीं हैं, हम तो खाली केवल उनका आनंद लेकर ही उसको फेंक देते हैं। तो अपना जो गर्व भरी जिंदगी थी नवाबी की, नवाबों की जो गर्व भरी जिंदगी थी उनकी तरफ मानो वो वहां पर उसको व्यक्त कराना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उस खीरे को खाया नहीं और उसको बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करने से उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। अब उनका ऐसा करना उनके नवाबों के शान और शौकत वाले स्वभाव को दिखाना, लोगों पर व्यक्त करना, जो ये साफ प्रदर्शित होता है कि अपने गबन या गर्व के कारण दूसरे लोगों के सामने खीरा जैसी चीज जो इन्होंने खाई नहीं, अगर शायद ट्रेन में लेखक भी या कोई नहीं होता तो वो उस खीरे को फेंकते नहीं और आराम से खाते, लेकिन केवल मात्र उन्होंने अपनी जो है दिखावे के कारण, दिखावे की जिंदगी के कारण, नवाबी शान शौकत के कारण खीरा जैसी सामान्य चीज ना खाते हुए उसको क्या कर दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल के विचार से आप कहां तक सहमत है? देखो पहले तो लेखक ये समझता था कि बिना घटना पात्र, बिना विचार घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती, यानी लेखक ने इसी विचार से यात्रा की थी, बिना कथ्य नहीं हो तो कहानी कैसे लिखी जा सकती है, और इसी कारण से उन्होंने ये निबंध, ये जो घटना है ये लिखी थी, ये निबंध लिखा था व्यंग्यात्मक निबंध। लेकिन जब उन्होंने नवाब साहब को खीरा खाते हुए काटते हुए, खाते हुए तो क्या खाया तो ही नहीं उन्होंने, खीरा काटते हुए नमक मिर्च भुनना और फिर उसके रस स्वादन से उसको सूंघना और उसके रस स्वादन की कल्पना करके फेंक देना और बाद में पानी को भटक जाना और डकार के शब्द करना, तो ये सब देखकर लेखक को लगा कि जब बिना खीरा खाए उदर पूर्ति हो सकती है, पेट भर सकता है, तो बिना घटना विचार पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती, वो भी एक स्वतंत्र रचना की तरह लिखी जा सकती है, ये सब उन्होंने मान लिया। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? देखो भाई आप जो है इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे, तो हम इस निबंध को और दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे दिखावे की जिंदगी दे सकते हैं, यहाँ तो नाम है नजर के अंदाज, लेकिन आप दिखावे की जिंदगी भी दे सकते हैं, रईसी अंदाज भी दे सकते हैं, दिखावे की जिंदगी में दिखावे की जिंदगी नाम शीर्षक इसके लिए उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इन यहाँ पर जो है भद्र पुरुष या नवाबी खानदान का एक व्यक्ति है जो अपने दिखावे के कारण खीरे को ना खाकर उसको खाली दूर से उसका आनंद लेकर उसको फेंक देता है सूंघ कर, तो ये हम दिखावे की जिंदगी में इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके प्रश्न अभ्यास हो गए हैं भाई, और इसके अलावा जो है शब्द संपदा दे रखी है पेज संख्या 82, पेज संख्या 82 पे, वैसे मैंने इस पार्ट में जो दिए हुए शब्दार्थ होते हैं उससे ज्यादा शब्दार्थ में लिख देता हूँ, तो आप बोर्ड में से उतार लिया करो और पीछे भी दिए हुए होते हैं इनको भी देख लिया करो, कोई भी हो सकता है, देखो मैं भी संपूर्ण नहीं हूँ, कोई छूट जाए कहीं पे तो आप इधर से नोट कर लिया करो, और ये जो पीछे दे रखे हैं तो आपको याद होना ही चाहिए भाई, ठीक है ना। जैसे मुफस्सिल, मुफस्सिल का मतलब मध्य नगर केंद्र में लिखा गया था, आपको केंद्रस्थ नगर या केंद्र के मध्य जो है नगर के मध्य या इर्द गिर्द का स्थान है, सफेद पोश यानी भद्र व्यक्ति, भद्र पुरुष जिसे हम कह सकते हैं यानी सज्जन व्यक्ति जिसको हम कहते हैं, किफायत, किफायत का मतलब हो गया मितव्ययता यानी बहुत ही कम खर्च करने वाला, समझदारी से खर्च करने वाला, आदावर्ज अभिवादन करने का एक ढंग होता है, मैंने आपको पहले बताया था ये, गुमान यानी भर्म, एहतियात यानी बहुत सावधानी, बुरक देना यानी कि छिड़क देना, स्पुरण, स्पुरण का मतलब हो जाएगा फड़कना या हिलना, प्लावित, प्लावित का मतलब है भर जाना, प्लावित यानी कि पानी भर जाना, ठीक है। फिर पानी आती, पानी आती यानी रस्सी, और मेला यानी अमाशय लिख दिया था मैंने पहले भी आपको, ये सब लिख दिए थे मैंने, तस्लीम यानी सम्मान मैंने लिख दिया है, नफासत, नफासत स्वच्छता मैंने लिख दिया है, नजाकत कोमलता मैंने लिख दिया था, ये सब मैंने लिखी रखे,
नफीस यानी बढ़िया मैंने लिखी दिया है, एब्स्ट्रैक्ट यानी सूक्ष्म या जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो जिसको अमूर्तम कहते हैं, ठीक है ना, और सकील यानी जो आसानी से ना पचने वाला होता है उसको कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका जो यशपाल का लग्न में अंदाज नाम से जो अध्याय था वो पूर्ण हो जाता है। इसके जो प्रश्न अभ्यास है भाई वो आप लोग कर लेंगे। इससे पूर्व के जो अध्याय हुए हैं गद्य भाग में उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है अभी तक तो शीघ्र ही आपके ग्रुप में जो है पीडीएफ में आज सेंड करवा दूंगा यहाँ से। तो आपको प्रश्न उत्तर प्रश्न अभ्यास की पीडीएफ जब मिल जाए तो आपको उन प्रश्न अभ्यास की पीडीएफ को देख लेना है, और उस पीडीएफ को देखकर प्रश्न अभ्यास, वैसे तो मैं आपको क्लास में समझाई देता हूँ पीडीएफ नहीं भी मिली है तो भी कर लेना चाहिए थे, लेकिन कुछ बच्चे अभी तक भी पीडीएफ नहीं भेजी है मुझे, होमवर्क का करके भेजा ही नहीं है मुझे ग्रुप में। तो भाई इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, मैं क्वेश्चन आंसर जो है यानी प्रश्न अभ्यास जो है वो यहाँ से लिख करके और मैं उसकी पीडीएफ बना करके आपको ग्रुप में सेंड करवा दूंगा, ताकि आप उसमें देख कर क्या कर लें, अपना गृह कार्य कर लें। और जैसे ही आपका गृह कार्य हो जाए तो उसे आपके होमवर्क है ग्रुप का अलग बना हुआ है, उस होमवर्क के ग्रुप में क्या कर दें उसको भेज दें। अब जिन बच्चों का फिर भी गृह कार्य नहीं होता है तो उनके घर से मैं कॉल करूंगा, मैं पूछूंगा क्या कारण है उनके पेरेंट्स से कि भाई क्यों गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। भाई जब क्लास चल रही है डेली आपको एक के बाद एक अनवरत रूप से एक एक शब्द में आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज में आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रश्न अभ्यास में करा रहा हूँ, ग्रुप में भेज रहा हूँ, फिर उसके बाद होमवर्क हो जाना चाहिए। सभी अपना होमवर्क यानी गृह कार्य पूर्ण करके और होमवर्क का ग्रुप बनाया उसमें भेज दें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साझा करें सभी के साथ में, अपने मित्र अपने सहपाठी अपने परिवारजन रिश्तेदार के साथ साझा करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए कहें और बेल आइकन जो है वो दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे, वीडियो प्राप्त होते रहे। लाइक करें, कमेंट करें और अपना अध्ययन अनवरत रूप से चालू रखें भाई। जो स्टूडेंट अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो यहाँ विद्यालय आ जाए और विद्यालय आकर संपर्क करें कि उनके पास वीडियो या उनके पास पीडीएफ क्यों नहीं आ रही है। तो विद्यालय आपका खुला हुआ है, कार्यालय यहाँ पर खुला रहता है विद्यालय के अंदर, तो कार्यालय में आके संपर्क करें, अपने नंबर देकर जाएं व्हाट्सएप नंबर, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। जी अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है आपका मित्र है उसका ग्रुप में नहीं आ रहा है, वो ग्रुप में नहीं जुड़ा है, कोई भी स्टूडेंट कोई भी छात्र या छात्रा लड़का लड़की कोई भी है तो यहाँ आ जाए विद्यालय में, अपने पेरेंट्स को भेज दें और अपने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर नोट करा दें नीचे ऑफिस में आके कार्यालय में आके, ताकि उसको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और बाद में यूट्यूब के जो वीडियो है वो उनके साथ भी शेयर किए जाएंगे। वैसे चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो ग्रुप में नहीं आते, तो आप चैनल की जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल की वीडियो लिस्ट जो है उसमें जाकर कक्षा अनुसार वीडियो देख सकते हो, उसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 हिंदी जो है वो आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा अंग्रेजी के वीडियो मिल जाएंगे, और भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वीडियो ग्रुपों में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला जो थी उस श्रृंखला में यहीं तक इतना ही, बाकी जो है अगली कक्षाओं में अपन अनवरत रूप से चलाते रहेंगे और होमवर्क आप लोग करते रहें। फिर मैं काव्यखंड पढ़ाने के पहले आपको बता दूंगा, फिर अपन काव्यखंड शुरू कर देंगे, अभी गद्य भाग में ही आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, शुभ दिन, धन्यवाद।